Our next topic is games we play at school. Hare Krishna everyone. Children play a number of games in school. बच्चे बहुत सारे games कहाँ खेलते हैं? School में. Some of the outdoor games played are football, basketball, throwball, tennis, खो-खो and cricket. कुछ आउटडोर गेम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? फुटबॉल, बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, टेनिस, खो खो एंड क्रिकेट. ये सब बाहर खेलने वाले गेम हैं. स्कूल्स हैव बिग प्लेग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले. क्योंकि स्कूल में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड होता है बच्चों को खेलने के लिए, तो ये सारे गेम वहाँ पर आसानी से खेले जा सकते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर प्लेइंग. स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है. एवरी क्लास इज अ फ्यू स्पोर्ट्स पीरियड इन अ वीक. हर क्लास का वीक में एक स्पोर्ट्स पीरियड होता है. सम स्कूल्स ऑल्सो मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्लेइंग इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, चेस, जिमनास्टिक एक्सेट्रा. कुछ स्कूल में इंडोर गेम्स के भी अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस, चेस, जिमनास्टिक, कैरम. इन सब को भी बच्चों को स्कूल में खिलाया जाता है. प्लेइंग गेम्स मेक्स चिल्ड्रन एक्टिव एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग. बच्चे अगर खेलते हैं तो वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं और फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं. दे लर्न टू प्ले एज अ टीम एंड कोऑपरेट विद देयर टीम मेट्स. वो टीम के साथ खेलना, कोऑपरेट करना सीखते हैं. दे ऑल्सो लर्न टू फॉलो द रूल्स एंड बिकेम डिसिप्लिन प्लेयर. वो गेम के जो रूल होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो ताकि उससे वो डिसिप्लिन सीखते हैं और डिसिप्लिन प्लेयर बनते हैं. स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एवरी ईयर. हर स्कूल में हर साल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होता है, जैसा कि हमारे स्कूल में भी होता है. आपको पता है हम स्पोर्ट्स खिलाते हैं आपको, फिर कुछ रेसेस करवाते हैं आपसे अलग अलग टाइप की, ताकि आपको मज़ा आए. उसका कॉम्पिटिशन होता है, फिर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हो, फिर आपको प्राइज़ मिलता है ना. ऐसे हर एक स्कूल में होता है. द विनर्स आर ट्रेंड सो दैट दे एक्सेल इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन. विनर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके. चैम्पियंस गो फर्दर फॉर स्टेट लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन. अब जो जिस गेम में चैम्पियन हो जाता है उसको फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन में स्कूल की तरफ से भेजा भी जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसको खेलने के लिए बाहर भी भेजा जाता है. विनिंग एंड लूजिंग आर पार्ट ऑफ एवरी गेम. जीतना और हारना हर एक पार्ट का एक हिस्सा होता है. वी शुड नॉट क्राई इफ वी लूज. हमें रोना नहीं चाहिए अगर हम हार जाते हैं तो. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम. हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे और अच्छा से खेलेंगे. सम चिल्ड्रन स्टार्ट फाइटिंग व्हेन दे लूज. कुछ बच्चे जो हैं हार जाते हैं तो क्या करते हैं? लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. वी शुड प्ले टू एंजॉय द गेम एंड शुड नॉट फील बैड इफ़ वी लूज. हमें गेम को एंजॉय करना चाहिए और अगर हम हार जाते हैं तो हमें बैड फील नहीं करना चाहिए. अच्छा, अभी आपको एक्टिविटी वन दिए आपके पेज नंबर 31 पर. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स इवेंट्स हेल्ड ड्यूरिंग योर एनुअल स्पोर्ट्स डे इन स्कूल. आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो उसमें आपको क्या क्या गेम्स खिलाए जाते हैं और आपने किन किन इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो सब आप लिखिएगा आपकी रफ कॉपी में. ओके, ये एक्टिविटी आप घर पर करिएगा. एवरी गेम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू प्ले. हर एक गेम के अपने अपने नियम होते हैं, उनको हमको फॉलो करना पड़ता है. एवरी गेम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. दीज रूल्स आर मेड क्लियर टू द चिल्ड्रन व्हेन दे फर्स्ट लर्न द गेम. बच्चों को
ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस गेम के क्या रूल हैं, उन्हें वो फॉलो करना चाहिए, उनके दिमाग में वो रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए जब वो खेलना कुछ भी सीखते हैं तो. वी शुड ऑलवेज फॉलो देम, हमें उन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए. चीटिंग इन अ गेम इज़ रियली बैड, गेम में कभी भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है. इफ़ वी लूज वी शुड एक्सेप्ट इट विदाउट क्रैम्बिंग, हम अगर हार जाते हैं तो हमें उसको बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट करना चाहिए. समटाइम्स वी मेक अवर ओन रूल्स टू प्ले अ गेम, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि कोई गेम खेलते हैं तो हमारे खुद के नियम बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन अ स्मॉल ग्राउंड नियर अवर हाउस, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे कि अगर हम हमारे घर के पास में जो ग्राउंड है वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं तो वी डिसाइड द बाउंड्री लाइन, हम वहाँ पे एक बाउंड्री लाइन डिसाइड कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द विकेट्स एक्सेट्रा, विकेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम खुद ही अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं बाय आवर सेल्फ, है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव अ वेरी स्मॉल टीम टू प्ले द गेम, ऐसा बहुत से समय होता है कि जब हमारे पास छोटी टीम होती है खेलने के लिए, बट वी चेंज द रूल बाय डिसाइडिंग ऑलमोस्ट आवर सेल्फ, हम उसके अनुसार ही फिर अपने खुद के नियम बना लेते हैं, रूल्स बना लेते हैं. बट वंस द रूल्स हैव बीन मेड दे शुड बी फॉलोड प्रॉपरली, लेकिन किसी गेम के जो रूल्स पहले से डिसाइडेड होते हैं तो हमें उन्हीं को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. ओके, आपको मज़ा आया होगा ये लेसन पढ़ने में, है ना, पूरा गेम्स के बारे में था. तो इसको अच्छे से रीड करिएगा, जो भी नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछिएगा. हरे कृष्णा, मीट यू इन अनदर क्लास विथ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर.